मामा को कॉपी नहीं कर पाते। वो ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती बहुत घबराहट हो रही है आज। क्या हुआ? मतलब नर्वस सिस्टम यहाँ से यहाँ ऐसे से हो रहा है। पता आज कौन आने वाला है? कौन? अरे वो सलमान भाई आए थे ना। हाँ? फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शो वो बंद कराएंगे। एक बार सनी देओल आया था, हैंडपंप तो उखाड़े खोड़े। मैंने ऐसे ऐसे करके आधा पाकिस्तान बहरा कर गया। मेरा तो पता नहीं, लेकिन सनी देओल ये शो जरूर बंद कराएगा। हाँ मैं दिखाता हूँ। देख सर, प्लीज ये शो मत बंद करवाइए प्लीज। सर हम लोग हम मन से नहीं बोलते सर, ये राइटर लिख के देते हैं सर। मैंने नहीं। सर मतलब आप तो घायल वांस अगेन लेकर आए, हमारा तो वांस भी ठीक से नहीं हुआ, क्यों बंद कर रहे हो? कृष्णा उठ के बात करना। कैसे उनको 2.5 किलो का हाथ रखा था मेरे ऊपर। अरे यस। हेलो, ये तो बच्चन साहब की कॉपी करने लग गया। इन्होंने कहा ना, जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता आदमी उठता नहीं, उठ जाता मैं तो झुका नहीं, झुकी गया। वैसे सनी जी आपको बोलूं, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर। की हाल तड़ा? मैं बढ़िया एकदम ठीक ठाक। और दसो कार सारे ठीक? सब ठीक। अब बाद में करना, हम आप पहले अपनी बातें करें। सर लेकिन आपको बोलूं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की लड़कियां आपकी इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है। हर लड़की का एक ही सपना है, कहती है हाय मैं ना मैं सन्नी पाजी से शादी करूंगी, मैं सन्नी पाजी से। हाय सनी सर, मतलब आपने कमाल कमाल की फिल्में की, इतने अलग अलग रोल किए, कॉमेडी किया है, एक्शन किया है, ड्रामा किया है, घायल वंस अगेन सनी सर ने लिखी है और डायरेक्ट भी की है, मतलब सर क्या नहीं कर लेते? डांस। अरे नहीं नहीं, अरे ये मार्केट में सर मिथ है, फैला हुआ है, आपको पता है। मैं तो कहती सर डांस करो और सारी दुनिया को सच साबित कर दो। मैं दिल से कह रही हूँ सर, आज आपने साबित कर दिया सर, तो तू वाकई डांस नहीं आता। आपकी फिल्म की जो एक लड़की है उसने एक ऐप बनाया है, वर्चुअल ऐप, उसके बारे में मुझे बताइए ना सर, क्या है ना कृष्णा? नहीं नहीं, इसको वर्चुअल के बारे में पहले बताइए सर, इसको इंग्लिश नहीं आती। बेटा तू बताइए आप क्या है? आपका नाम है प्रिटेंडिंग पेरेंट्स, तो बस है, बाकी सब मूवी में देख सकते हो। अच्छा मतलब ऐप ऑन करो और प्रिटेंड करो आप उनसे बात कर रहे हो। अच्छा नहीं नहीं, भारती ने भी एक वर्चुअल ऐप मतलब वो किया था, मतलब कौन सा था वो? वर्चुअल बर्गर। वर्चुअल बर्गर, बर्गर मतलब जब भी वो ऐप ऑन कर। हाँ बर्गर सर, बर्गर। हाँ सर ओके। वो तो सर बर्गर होता है, ये बर्गर है, बर्गर पूरा घर बना हुआ। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आवाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी सर। सनी सर बहुत ज्यादा स्वीट है। अबे क्या बता भैया, हमने थोड़ा चख के देखे स्वीट है कि नहीं। जरा आना सर इधर, देखो थोड़ा। नहीं 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 नहीं, तुसी अपने आप नु फ्रिज दे ना, तुसी खट्टे हो। कितने सनी दी और खट्टे के लिए जोरदार तालियां। सर फिल्मों में आप हमेशा ओए बड़े गुस्से से चिल्लाते हैं, आज पहली बार डर के आप ओए कर रहे हैं। सर एक बार जरा कह दीजिए ओए, जल्दी शो शुरू करो। ओए जल्दी शुरू करो। क्या बात है। तो सबसे पहले भारती जी किसको बिठाया जाए? मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ यार, क्योंकि मैंने लिपस्टिक उनको लगा दी ना, मेरी कम हो गई सर। और मैं नहीं चाहती कि हमारे शो में फर्स्ट टाइम सनी देओल आए हैं और मैं फीके होठों के साथ जाऊं। लाल हो गया। सॉरी इधर आना तो खराब हो गया। ना 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 यार, इतना बड़ा टोले वाला आदमी मेरे से डरी जा रहा है। सर साफ कर रही हूँ, इधर भी लगी सर। चलिए शुरू कर। भारती तो अभी तक गई नहीं, क्या कर रही है भारती? अंकल सॉरी सर, मैं सच्ची बताऊं, भारती अगर
अगर बाल कटा ले तो बिल्कुल ऐसी लगेगा। सर हम शुरू करते हैं। सनी सर आप प्लीज वहां पे बैठ के इन लोगों की पेमेंट बढ़ाइए सर। जितने लोग सोफे पे बैठ सकते हैं बैठ जाओ, बाकी रोहन पे बैठ जाओ भैया। चलिए काम करते हैं, मतलब काफी कंजेस्टेड हो रहा है तो दोनों स्वीट लड़कियों को हम यहाँ पे बुला लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के साथ। सनी सर आप गदर में सकीना और जीते को लेकर इंडिया वापस आ गए, उसके बाद दी एंड हो गया था सर, उसके बाद क्या हुआ बताएंगे सर हमको? क्या हो क्या सकता है? नहीं मतलब जीते के बाद फीता पपीता, मतलब सिर्फ एक ही जीता था? मैं समझा नहीं। सर मैं आपको बता दूं कि सकीना और जीते दोनों पीछे खड़े हैं। अच्छा। और कुछ शिकायत लेकर आए हैं, तो सर अभी आप ही संभालिए उनको। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। चाचा जी मुझे, मैं सक्कू नहीं, सक्कू भाई नहीं, सक्कू आपकी सकीना। अब्बा मैं बहुत नाराज हूँ, 15 साल पहले आप मुझे छोड़ के आ गए थे, मैं आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपको पता हमारा जीता बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एक बात बोलूं, सिर्फ नाम का ही जीता है, सबसे हारता रहता है। और क्या, नहीं तो ये पहला बंदा कि अकेला टॉस भी करता है ना, उसमें भी हार जाता है। खैर ये कितने सालों बाद आए, और अब्बू मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, एक मिनट ये लीजिए, आप उनको बांट दो थोड़ा, आप भी लीजिए, बट आप अपने पेट से निकालो थोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सनी देओल आए और मैं रू क्यों बांट रही हूँ, अरे मैं रू इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि बंदे की आवाज में कितना दम है। ओए एक बार ओए करते हैं ना तो 500 लोगों के कान। शकील जी आप थोड़ा ज्यादा रोई ले लो, प्लीज ले लो ले लो ले लो। पता क्यों? क्योंकि सनी जी की आवाज में बहुत दम है और बंदा बहुत कमजोर है, ओए से इनके कान नहीं इनकी जान जा सकती, बाद में नाक में लगाने के काम आएगी। खैर मैं कैसी बातें कर रही हूँ, सुनो जी आज भी आपका हाथ 2.5 किलो का है? नहीं नहीं मैं ऐसे पूछ रही थी क्योंकि मैं ना बाजार से आलू लेकर आई थी 2.5 किलो, मुझे तुलवाने थे क्योंकि कहीं दुकानदार ने मुझे 2 किलो आलू तो नहीं दे दिए। यार मैं कितनी डफर हूँ, 15 साल बाद ये आए हैं और मैं कैसे आलू प्याज की बातें कर रही हूँ, आज तो सुहागरात की बातें होंगी। आज भी वो याद है बात जब घूंघट उठाने के बाद मैंने कहा था कि कोई हॉट हॉट बातें करो ना, और ये पहलवान बंदा कहते पंजा लड़ाए। मम्मी एक बात बताओ, ये पापा 15-15 लोगों को एक साथ मिलके मारते थे ना? हाय बेटा तेरे को कैसे पता? क्योंकि उन्हीं 15 लोगों ने मुझे बाहर मारा है। तेरी हरकतों से बड़ी है, आप टीवी पे कहते थे ना अपना लक पहन के चलो, कहते थे ना। ये बच्चन साहब के शो पे गया था, बच्चन साहब ने ओ माशा क्या आपको लगता है कि आप लकी है? कहते सर लकी नहीं, हम अपना लक पहन के चलते हैं। कुछ भी बोले जा रही हो ना, कुछ भी बोले जा रही हो, इससे बोल कुछ भी बोले जा रही हो मम्मी। कहा था ना प्रेगनेंसी जब मेरे में है, आप मत चिल्लाओ, फटे गले वाला बच्चा पैदा हो गया। देखो मम्मी मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, और वैसे भी पापा की नई फिल्म आ रही है घायल वंश। किसकी हिम्मत है जो सनी देओल को घायल कर दे? हाँ वैसे जी आपने पहली बार में सही पट्टी क्यों नहीं कराई, दोबारा घायल हो गए। मम्मी पापा के बारे में कुछ बताओ ना। बेटे तेरे पापा ना तेरे को बहुत प्यार करते थे, जब भी तू रोता था ना तेरे को गोद में पता कैसे उठाते थे, बेड समेत ही। अल्लाह ला 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 ला, मेरा बच्चा रो रहा अल्लाह ला। एक बार तो ऐसे किया तो पड़ोसियों के घर चला गया। इतने ताकतवर हैं? बहुत ताकतवर है, तुम्हें पता बहुत ज्यादा ताकतवर है।
आपको पता हॉल में बैठे होते थे और चाबी इनके पास होती थी अलमारी की। ये नहीं कि बंदा चाबी लेके अलमारी के पास जाए, अलमारी को चाबी के पास लेके आता था, ऐसे घुमाता था। कहते इससे ना एक्सरसाइज होती रहती है। इसी वजह से ना मैं ना इनको दूध लेने नहीं भेजती थी। अरे जब भी दूध लेने जाते थैलियां फोड़ रही है। कितने का लगाया? हाँ कितने का लगाया? कितने का लगाया बता दो। लेकिन प्यार बहुत करते हैं पता। मुझे आज तक भी ना पानी की लाइन में खड़े नहीं होने दिया इन्होंने। हाँ सारी औरतें खड़ी रहती थी, मेरे लिए हैंडपंप उखाड़ लाए। वैसे एक बात बोलूं बेटा, तेरे पापा ने ना पाकिस्तान को अमेरिका बना दिया है। कैसे? अरे जब मेरे को पाकिस्तान लेने नहीं आए थे इन्होंने कितने हैंडपंप उखाड़े थे, अब सब लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं। यार आप अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छी अच्छी रोमांस रोमांटिक थे ना? रोमांटिक ना होते तो तू कहाँ से उनसे पैदा करती थी? रोमांटिक थे तभी तो पैदा हुआ है पागल। और तुम्हें पता है गांव में जब भी कोई खड्डा करना होता था ना, कोई भी खड्डा करना हो गांव में या कुआं निकालना हो, इनको बुला लेते थे, इनका सिर्फ गाना चलाते थे, यारा ओ यारा करते आ। पांच छह कुएं एक साथ निकाल देते थे जी। आज ना सच में बहुत ज्यादा हो गया है और आज तो तू बोल भी नहीं पाएगी कि तू किससे डरती है। बोल क्या नहीं पाऊंगी, मैं तो सबको बोलती हूँ मैं किसी के बाप से नहीं डरती। किनके सहारे बोलती हूँ? इनके सहारे।